होती हैं। अब्दुल्ला जी आपके क्या हाल हैं? सब बस ठीक ठाक। आपकी मुलाकात है आपस में पहले? जी जी, मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है अब्दुल्ला। अरे पुरानी दोस्ती है, और हमें कल पता लगा कि हम साथ गेस्ट हैं। ओए होए, मुझे भी नहीं पता था। तो ये दोस्ती कब की है, और क्या आप स्कूल इकट्ठे गए या कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वी नो ईच अदर थ्रू अ फ्रेंड। और वो दोस्त कहाँ है? कराची। वो कराची में पहुंचे हैं। वैसे भी गाना भी किया हुआ है जिसमें मॉडलिंग की इन्होंने, इन्होंने गाया हुआ है। अरे वर्क टुगेदर इन अ सॉन्ग। अच्छा, आप यानी ये गाना भी कर चुके हुए हैं। और ये वो गाना है आपका, गालिबन क्या नाम था इसका? इसका क्लोजर नाम है, गल कर दी। क्लोजर में नवाल सईद ने काम किया था, तो आपको मिला क्लोजर? ने क्लोजर दिया है। और नवाल सईद का क्लोजर था, बेसिकली लड़की की कहानी है गाना। अच्छा, फ्रॉम द गर्ल्स पर्सपेक्टिव, बट नवाल हैज डन एन अमेजिंग। और ये क्लोजर किस बारे में था? आप ये सीरियस पूछ रहे थे, क्योंकि सीरियस सवाल है ये। सीरियस है, लिखा हुआ है मैंने। तो नहीं, आप बताएं हमें। तो जो गाना है वो बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ टू पीपल हु आर नो लॉन्गर टुगेदर। एक वक्त में थे वो, और जो मेल प्रोटैगनिस्ट है अपेरेंटली स्टोरी का, उसने लड़की को शैटर करने के बाद ही इज रिक्वेस्टिंग टू मीट हर फॉर द लास्ट टाइम। ओके। तो वो जो उसको नहीं मिल रही और जो उससे मुलाकात नहीं कर सकती वो, हाँ, उसकी वजह और उसका क्लोजर है वो, इसलिए उसका नाम क्लोजर है। तो अगर आप अगली दफा गाना सुनेंगे इस थॉट के साथ, तो आई थिंक आपको। और ये गाना आपने लिखा? गाना मैंने लिखा। आपने कंपोज किया? मैंने गाया। लिरिक्स भी आपके ही थे सारे? लिरिक्स मेरे थे। और आपको चाहिए साथ में ना कुछ पर्चियां लिख के रखें, ये सारा समझाएं कि ये पढ़ें और ये गाना सुनें। नहीं, मगर मुझे ये बताएं कि ये आपने जो लिखा, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब बताओ ना, बताओ ना, हम आपका भी घर खराब करें। घर का खराब करें? नहीं नहीं, मैं भी जरा नहीं। इट्स ये गाना हमेशा मेरे लिए बहुत पर्सनल रहेगा, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ड्राइव हुआ हुआ है। बिल्कुल हुआ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो आपने ये बात नवाल को बताई थी? जी, वैसे भी पता लग गई थी, और बहुत स्पेसिफिक चीजें। तो आपने जज्बात ज्यादा डाले जब आपको ये बात? मैंने तो जो करना था, मैं क्या इनकी पर्सनल लाइफ थी ये हर्ट से मुझे ड्राइव। अगर आप डिपिक्ट कर रही थी, तो आपने कुछ तो फिर उसमें जरा ज्यादा जान डालनी थी। बट आई डिडंट टेक अ वॉक इन हिज शूज, तो मैंने बस बोला व्हाटएवर यू वांट मी टू डू आई एम गोइंग टू डू। बट आई नो कि इनके लिए बड़ा पर्सनल था। अच्छा, और बहुत सारी कुछ। And I think that's one of the reasons the song is doing pretty good on the internet. वो मेरे ख्याल से दिल से निकली हुई बात है, इसीलिए it's connecting with a lot of people. दिल से निकली हुई बात तो फिर और बहुत से दिलों तक भी पहुंची होगी। उम्मीद तो यही है। तो और अब इंटरनेट का जमाना है, तो इसमें वो दिल भी शामिल होंगे जिनका जिक्र आया है इस गाने के अंदर कहीं। मुझे लगता है कुड़ी हुन अपने कार पहुंची होनी किधर। मेरी तो आ रही होगी। अच्छा जी, अच्छा, ये आपको पता है? हां, एब्सोल्युटली पता है। मतलब कैसे पता नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, कैसे पता है? डू यू स्टॉक हर? मतलब व्हाट आर वी गेटिंग एट? ये कहां पे बात, कहां से कहां चली गई? सवाल ने बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा कुछ है शेरी खान 1122 के नाम से कोई अकाउंट बनाया हो आपने? क्या बताऊं मैं, है ना, कोई सेकंड अकाउंट है? वो इंस्टाग्राम ने वो कर दिया ना ब्लॉक, एडिशनल अकाउंट्स दे मे क्रिएट एज वेल। ओए होए, तो आप पिछले वाला ब्लॉक करवा चुके हो? हाउ कम ही नोस? ये वाला बहुत ही खराब मगर। लेकिन अब्दुल्ला भाई, क्यों, क्या वजह क्या बनी कि क्यों नहीं आपस में मिले? ये तो थोड़ा समय, ये तो देखिए एक जाती बात है ये तो। ये हम नहीं जानना चाहते कि ये वो वाला शो नहीं है जिसके अंदर हम बिल्कुल ऐसी बात निकलवा के उसके बाद हम उस पे थंबनेल निकालेंगे। हमें और थंबनेल के लिए चीजें मिल गई हैं। मगर आपने मैडम बहुत जज्बात से इसमें एक्टिंग की। जी, आई होप सो। तो ये आप आसानी से कर लेती हैं? यस सर, भाई वन टेक एक्ट्रेस। ओए, तो ये आप यानी कि पहले आप भी कुछ इस किस्म के एक्सपीरियंसेस कर चुकी हुई हैं? नहीं, मैं तो बहुत इजी हूं, मैं हार्ट ब्रोकन अब बिल्कुल भी नहीं हूं। अब नहीं है? मुझे पर्सनली लग गया है कि बहुत वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत वेस्ट ऑफ टाइम? तो आपने हमारे टाइम कब वेस्ट किया था आपने? ये टाइम हो गया उससे। कितना को टाइम? कोविड से पहले या कोविड के बाद? आई थिंक कोविड के बाद। कोविड के बाद तो ये तो अभी दो एक साल ही गुजरे ना फिर। नहीं, मतलब आई डोंट थिंक अबाउट इट, लाइक हां नन ऑफ अस थिंक अबाउट इट, बट इट स्टिल शैटर्स यू। नो, आई डोंट थिंक। देन हाउ इज इट अ हार्ट ब्रेक इफ इट वाज वंस? ना वो वंस था भाई, आपका अभी रीसेंट है, उनका हो चुका है। मेरा भी रीसेंट नहीं है, टाइम हो गया, निकल आया हूं। कितना वो टाइम हो गया? आपने क्योंकि उनके क्वेश्चन किए टाइम फ्रेम को, तो फिर मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं। डेडी सही है सर, वो तो लड़की इन्होंने मिलके उन कह रही थी अब्दुल्ला मेरा पीछा ना करे और मेरे बच्चे स्कूल जान लग गए। अब्दुल्ला ऐसा तो कुछ नहीं, आई एम श्योर। प्लीज क्लेरिफिकेशन। ये हंसे जैसे लगा है कि ऐसा आगे आगे दो एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम और ऑब्वियस कर दो। देखिए एलिफेंट तो एड्रेस हो चुका है, नाउ इट इज द ओनली थिंग वी आर एड्रेसिंग। द ओनली थिंग वी आर एड्रेसिंग नाउ इज यू। हां, सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस वुड एस्केलेट टू दिस। नवाल, आपने बहुत से कोएक्टर्स के साथ काम किया, वो ऐसे कौन से कोएक्टर जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करना चाहती हैं? ओए होए, रिपीटेडली काम करना चाहती हैं? वैसे एक्सपीरियंसेस मेल एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। फ्यू बैड एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड इज विद
फीमेल को एक्ट्रेस. अभी रिसेंट मैंने हारिस के साथ काम किया, वो बहुत अच्छा मुझे लगा. मुझे लग रहा था कि हम बहुत कोलैबोरेटिवली काम कर रहे थे, हम डिस्कस करते थे, मुझे ईज थी. शेरोज इज़ नाइस, जाहिद इज़ नाइस, एंड बहुत सारे. वो अब्दुल्ला जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि फ्यू बैड एक्सपीरियंसेस थे, तो वो कौन से वाले थे? दागे दिल में थे या फिर बिखरे हैं हम या दिले वीरान, कौन से वाले में? मेरे मुंह से ना बात निकल जाती है, मैं रिग्रेट करती हूं. आप नहीं, आप रिग्रेट नहीं करते. इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आपसे कोई बात निकल जाए. दिले वीरान में आपके साथ कौन? बहुत अर्लियर. अच्छा, अभी पिछले कुछ अरसे की बात है. नहीं, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस हैपेंड. और अब तो नहीं है. कौन सा वाला ड्रामा था वो आपका, शुरू में आपने किया था? मैं आपको टेक्स्ट करके बता दूंगी. नहीं, प्लीज बताइए तो सही ना, कुछ याद तो. ड्रामा आपका पहला ड्रामा था वो ड्रामे का नाम ही नहीं पता. आप अपनी हिस्ट्री रद्द कर रही हैं. मुझे पता है, बट आई डोंट वांट. आई मीन आपके ड्रामा, इनका ड्रामा है, आप सब लोग किसी तरह उसको निकाल सकते हैं. गूगल का जमाना है. जो आपका पहला ड्रामा था उसकी बात हो रही है, तो है ना, उसी की हो रही है. देख लें, आप खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है. गलत ड्रामे पे हिट ना हो जाए कहीं. नहीं, पहला वाला था या दूसरे वाला था? पहला वाला था. अच्छा, अब देखे ना, अब थोड़ा बैलेंस हो रहा है, मुझे बेहतर फील हो रहा है. नहीं, तो मगर नवाल पहला वाला था ना? पहले दूसरे में भी हुआ है. पहले में भी था, दूसरे में भी हुआ. वो कभी ऐसे भी सुनने में मिलता है कि यू नो, जब कास्टिंग हो रही होती है तो कोई एक्टर कुछ बोले कि वो नवाल या ये बातें भी. क्या बोले नवाल? क्या यू नो, दो लड़कियां हैं तो उनमें से कोई बोलता है कि यू शुड कास्ट समबडी एल्स, नॉट नवाल. आई गेट टू नो, आई हैव नो आईडिया. मे बी बिकॉज यू विल एक्ट सो वेल और यू लुक सो प्रिटी. और क्या वजह? कपड़े अच्छे पहनती है क्या? ओवरशैडो कर जाएगी. यू शुड फील ओपन अबाउट इट एंड यू नो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस. बिकॉज मुझे भी एक तरह एक दो बार पता चला कि एक कोई एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर फवाद खान और मैंने कास्ट होना था. तो फवाद खान को जब पता चला तो उन्होंने कहा नहीं यार, उसको ना करना, मेरी लुक्स मान पड़ जाएंगे. फवाद खान किथे ते तुसी किथे है? मैं भी इसी चीज़ पर था. मगर बात की, अब तो आप बताएं आपका किसके साथ हुआ था ये? अब मैं नाम तो नहीं लूंगी. वैसे कभी ऐसे होते हैं कि कोई मेकअप आर्टिस्ट उसको जाके पूछ लेंगे कि नवाल विग लगाती है, बता दो सच. मेरे मेकअप आर्टिस्ट में जाके बोलते हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो यार, बोल देना लगाती है, बोल देना. ही इज आल्सो बीन गोइंग टू पीपल एंड सेइंग जी ये है, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ इफ इट मेक्स देम हैप्पी जस्ट से. एक्ट्रेसेस के दरमियान में विगों का भी इशू है. हाँ, मतलब और ऐसा कुछ होता भी नहीं, बट दे थिंक कि यू आर हाइडिंग समथिंग. तो कुछ पूछ ले जाके कोई सीक्रेट बात या कोई सीक्रेट प्रोडक्ट. तो इट्स, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट हाउ यू लुक. मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आप जैसा लोगों के बारे में फील करते हैं, वो आपके बोलने से पहले ही वो आपकी एनर्जी चीख चीख के बता देती है लोगों को. नवाल जी, कभी हुआ रिकॉर्डिंग हो रही हो ड्रामे की, तो कुछ लड़कियाँ जैसे आप जैसे को स्टार वगैरह, तो आपस में बैठ के चुगलियां की किसी की? की होगी. हाँ, ये तो आई एम नॉट अ सेंट, मैंने भी की होगी.